दोस्तों नमस्कार, और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, और बड़े भाई बहनों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श प्रणाम। दोस्तों आज ये हमारी गाय देखिए, ये बच्चिया हुई थी, काली की बच्चिया हुई थी, और आज देखिए इसे कहते हैं बधाण, गांव की लाइफ स्टाइल में इसे बधाण कहते हैं, लेकिन आज इसका बच्चिया का है नामकरण। देखिए ये तो देखिए नामकरण मैं कर रहा हूँ आज, और देखिए इसमें पहले चाहिए कच्ची हल्दी। देखिए आप देखते रहिए, ये होगी हल्दी तैयार। देखिए और गाय जिस खूंटे पर ब्याई है उसी पर ये जो नामकरण होता है उसी के उस पर होता है। ये देखिए, अब देखिए गाय का गोबर लिया जाएगा। ये देखिए, ये गाय का जो गाय ब्याई है इसी का ये गोबर है। देखिए अब इसमें हम बनाएंगे, ये देखिए ये देखिए ये गाय का दूध है, ये इसी का दूध है। देखिए काटा, ये देखिए ये है तागा। देखिए ये पत्थर है, ये सात पत्थर होने चाहिए। ये देखिए एक दो तीन चार पांच छः, ये देखिए सात पत्थर हो गए। अब इसको तागे को लपेटेंगे इसमें, ये देखिए इसे सात बार लपेटना है। देखिए एक दो तीन चार पांच छह और सात, और ये देखिए बताशे, जूम कर लेना बताशे, और ये है दिया। देखिए ये खूंटे पर जलाया जाएगा, खूंटे पर। देखिए ये जल चुका है दीपक, ये जल चुकी है धूप, ये बताशे, और ये है ये फूल, यहां पर रख दिए। और देखिए अब थोड़ा शंख बजाया जाएगा, जो कच्ची हल्दी घिस के लगाई थी। ये देखिए पहले मैं खुद लगाऊंगा इसको, ये देखिए, और अब लगाया जाएगा गाय को और अब बच्चिया को। अब बताशे खिलाए जाएंगे, देखिए, बताशे नहीं खा रही है। देखिए और अब गाय का नामकरण किया जाएगा, नाम रखा जाएगा इसका। देखिए गाय का नाम, ये देखिए ऐसे रखते हैं और इसके कान में कहते हैं नाम। देखिए गाय का बच्चिया का नाम रखा गया पायल। दोस्तों बच्चा का नाम रखा गया पायल। देखिए और अब देखिए तोड़ा जाएगा नारियल, देवता होते हैं उसे, उन्हें कहते हैं बधाण देवता। ये देखिए और अब तोड़ते कैसा निकलता है।
दोस्तों टूट चुका है देखिए, और ये निकला देखिए नारियल के अंदर से ये निकला, और इसे रखेंगे हम यहां पर। ये देखिए सही निकला एकदम साफ देखिए ये। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे बांटा जाएगा मोहल्ले में। और गाय की बछिया का नाम दोस्तों रखा गया है पायल, देखिए बछिया है, और ये नामकरण वहीं पर होता है जहां पर गाय ने बच्चा दिया हो, जहां पर ये फर्स्ट बार ब्याई यहां पर, तो वहीं पर ये सब कुछ होता है। और देखो गांव में दोस्तों नामकरण गाय बछिया का ऐसे होता है जो जिस विधि से मैंने की, इसी विधि से ये होता है। दोस्तों देखिए बछिया के नामकरण में आज दीपा भाभी ने क्या क्या बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ, और क्या क्या बनाया हुआ है। ये देखिए खीर बनाई हुई है, और ये देखिए बाड़े बना रहे हैं, ये बाड़े देखिए, और ये पूरी बेल रहे हैं देखिए। देखिए दोस्तों गाय की बच्चा का नामकरण मैं आज ये बनाया है, पकवान बनाए हैं ये देखिए, और ये जो बताशे और गोले हैं ये सब मोहल्ले में बांटे जाते हैं, और जो टीका लगाया जाता है ये टीका हल्दी का लगाया जाएगा जो भी परिवार का होगा। ऐसे बनाते हैं गाय के बच्चे के नामकरण में पकवान। दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हुए, आप लोगों को गाय की बच्चिया का जो नामकरण हुआ वो कैसा लगा, और गाय की बच्चिया का जो नाम पड़ा वो कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।